नमस्कार प्रणाम मित्रों मैं हूं मनीष तिवारी और आप देख रहे हैं संस्कृति बिहार और अभी आप देख रहे हैं हमारे बीच दो खूबसूरत जोड़ा है जिनका कि हाल फिलहाल में ही शादी हुआ है और शादी किसका हुआ है आप लोग तो तस्वीर देखकर समझ ही गए होंगे ये है आरती जी और ये हैं मनु जी यानी कि छोटू के बड़े भाई मनु जी और ये हैं आरती जी चलिए अब हम इनसे सीधे बात करते हैं आरती जी शादी से खुश हैं रहेंगे ना नहीं ऐसा दर्शकों को बताइए कि लोग आपको ये कमेंट कर रहे हैं कि अभी एक साल भी नहीं हुआ है छोटू को गुजरे हुए और आप इतना जल्दी शादी क्यों कर लिए ये दर्शकों को बताइए देखिए मतलब गाँव समाज में ऐसे थे सब बोल रहे थे कि तो बता ही दिए होंगे पापा कल हम आप पापा से बयान लिए थे छोटू जी के पापा से तो वो यही बोले थे कि समाज में लोग तरह तरह का बात उछाल रहा है ये बोल रहा है कि बिन ब्याही लड़की को यहाँ रखा हुआ है कहीं इसी वजह से तो नहीं हुआ हाँ तो मतलब गांव समाज का लोग ऐसे बोल रहे थे तो, तो, तो इसीलिए इतना जल्दबाजी हो गया ना नहीं तो क्या जरूरी था तो आप इस शादी से खुश हैं तो अब खुश तो रहना ही पड़ेगा ना और आप जो हैं अपने मर्जी से अपने रजामंदी से शादी किए हैं हाँ तो करना ही पड़ेगा ना कई जगह ये भी अफवाह नेट पे दिया जा रहा है कि आरती को जबरदस्ती गांव वाले घर वाले मिलकर शादी करवा दिए हैं कहीं ऐसा तो नहीं है नहीं 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 ऐसा आप किसी के दबाव में नहीं ना बोल रही हैं नहीं नहीं आप अपनी मर्जी से शादी किए हैं ना और हमारे साथ मनु जी हैं चलिए हम इनसे भी बात करते हैं मनु जी इतना जल्दी क्या था शादी का जल्दी कुछ नहीं था मतलब कि जैसे अब मान लीजिए हम तो बाहर से एबे किए चौबीस तारीख के रात में चौबीस को बाहर से आए पच्चीस को शादी कर ली पच्चीस हाँ मतलब पापा लोग मतलब पहले से रेडी करके रखे थे गांव समाज सब था ऐसे अकेले में शादी नहीं किए हैं तो आप पर किसी तरह का दबाव तो नहीं है ना शादी का नहीं हम पे न है नरती पे भी न है आरती तो आगे? बोल दी अपना सफाई आगे? दे चुकी है आप अपना सफाई दीजिए कहीं समाज के दबाव में आकर आप इसका हाथ थाम लिए हैं कल होकर के आप इसका हाथ छोड़ सकते हैं तो इसके लिए आप क्या कहेंगे नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है अपना मर्जी से ही सब शादी किए हैं अपना मर्जी से किए हैं किसी तरह का कोई दबाव कोई नहीं? दबाव नहीं है किसी का भी तो चलिए बहुत ही अच्छा है शुभकामना आप दोनों को शादी का क्योंकि एक लड़की है आरती भी आप लोग भी समझ सकते हैं इस बात को आ, कई बार हम लोग देखते हैं कई जगहों पर कि शादी हो जाने के बाद आ, लड़की का अगर किसी वजह हो जाता है लड़की के ज़िंदगी में या उसके पति नहीं रहते हैं तो फिर भी दूसरा शादी करा दिया जाता है क्योंकि उसको ज़िंदगी जीने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए और छोटू एक गुज़रा हुआ कल बन चुका है और मनु जी हैं जो कि ज़िंदगी भर इनके साथ रहेंगे मनु जी क्या कहेंगे मतलब जिंदगी भर इनका साथ देंगे ना साथ तो देंगे ही ना फिर किसी तरह का बीच में मैटर नहीं ना होगा ना ही आप कोई मैटर कहाँ कैसे होगा और आरती जी एक चीज़ और हम सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कल हम गए थे आपके दादी के यहाँ दादी का कहना था कि आरती जो भी कर ली है शादी कर ली है कोई दिक्कत नहीं है हमको बस हम चाहते हैं कि हमारे जो भी बच्चे हैं उसको जेल से छोड़वा दे क्या छोड़वाना चाहेंगे देखिए वो तो कानून की बात है तो हम कैसे उसमें मेरे कहने से थोड़ी कुछ होगा थोड़ी छुट जाएगा कानून के हवाले है तो यानी कि कानून के कहने से आ, आ, सभी लोग जेल जा चुके हैं सभी गिरफ्तार हो चुके हैं अब जो भी प्रक्रिया करेगा वो कानून के हाथ में होगा हाँ. तो यही बात है जो भी प्रक्रिया होगा कानून करेगा जो भी फैसला करना होगा कानून के हाथ में है ये हम सभी मानवों के हाथ में नहीं है क्योंकि यह एक बहुत बड़ा घटना कहा जाता है इस घटना को यह सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फैल चुका है फिलहाल तो हम यही कहेंगे कि आरती अपने ज़िंदगी में खुश है तो इनको खुश रहना ही चाहिए क्योंकि कब तक ये अपने ज़िंदगी को इस तरीके से चलाती तो आप वीडियो भी बनाते हैं तो वीडियो बनाते रहें

जैसे हम चौबीस तारीख को रात में मतलब आए थे आप पच्चीस को मतलब पता चला तो चलिए आरती जी लास्ट में आप लोगों को क्या कहेंगे जो आपके बारे में इस शादी से रिलेटेड गलत कमेंट करते हैं हम देखिए हम एक लड़की हम उसको क्या बोल सकते हैं हम तो ऐसे जिंदगी जी नहीं सकते थे तो उसके लिए तो कुछ तो जीवन साथी तो खोजना पड़ता ना तो इसलिए आप अपने ज़िंदगी को बसाने के लिए मनु जी से शादी कर चुके हैं और आप इनके साथ अपना खुशी भरा जिंदगी जीते रहेंगे चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और मैं पिछला क्या आप बीती सुनाऊँ कुछ मैं नहीं सुना सकता सब चीज़ आप लोगों को पता ही है बाकी आप सभी को आ, क्या पता है क्या नहीं है कमेंट में अपना राय विचार ज़रूर दीजिएगा मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए देखते रहिए संस्कृति विहार